हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर जितेंद्र मोहन वट्टा जौनपुर, मोबाइल नंबर 9944-34 हम लोग होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में इग्निशिया 230 के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। शीतावस्था में रोगी को प्यास लगती है, परंतु अन्य किसी भी अवस्था में प्यास बिल्कुल ही नहीं महसूस होती है। पार्ट 6 के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। भारी गर्मी पाने पर शीत में कमी आने लगती है, चादर इत्यादि ओढ़ लेने पर ताप फिर बढ़ने लगता है। शीतावस्था में रोगी का चेहरा लाल हो जाता है, परंतु ये ऐसे 4 निर्णायक और विश्वसनीय लक्षण हैं जिन पर चिकित्सक लोग पूरी तरह निर्भर कर सकते हैं। किस अन्य औषधि में शीतावस्था में रोगी को प्यास नहीं महसूस होती? इसी प्रकार नक्समका 200 में बाहरी ताप जैसे बिस्तर की गर्मी अथवा चूल्हे की गर्मी से जाड़ा नहीं लगता है। ताप की अवस्था में रोगी चादर इत्यादि ओढ़े पड़ा रहता है, क्योंकि तनिक सा शरीर खुलते ही रोगी को जाड़ा लगने लगता है। नक्समका 200 और इग्निशिया 30 या 200 दोनों का ही मूल वीर्य कुचला या उसका एक क्षार रहने पर भी उनमें उस समय बहुत अधिक अंतर आ जाता है जब रोगों की चिकित्सा के लिए उनका उपयोग होता है। एक ऐसे रोगी को जिस पर कोई भी दवा असर ही नहीं कर रही थी, मैंने शीतावस्था में चेहरे की लाली का लक्षण देखकर ही अच्छा कर पाया। रोगी का चेहरा लाल रहने के साथ ही मैंने यह भी पाया कि रोगी उस समय चूल्हे के पीछे एक सबसे गर्म स्थान पर सोया हुआ था। 200 पोटेंसी की खुराक रोगी को देते ही रोगी स्वस्थ हो गया। इसी रोगी के परिवार में मलेरिया के 2 रोगी मौजूद थे। इनमें से एक कैप्सिकम 200 की खुराक से और दूसरा यूपटोरियम परफोलिएटम 200 की खुराक से रोग मुक्त हो गए थे। पहले रोगी को कंधों से के बीच जाड़ा लगता था, जबकि दूसरे को दोपहर के पहले जूड़ी चढ़ती थी। जूड़ी चढ़ने से पहले उसके हड्डियों में बहुत तेज दर्द होता था तथा जूड़ी खत्म होने के बाद पित्त का वमन होता था। इन रोगियों के बारे में यहाँ पर चर्चा करने का मेरा मुख्य उद्देश्य यह है कि लोग यह भली प्रकार समझ जाएं कि उच्च शक्ति की औषधियों में कितनी ताकत रहती। कैप्सिकम 30 या 200 फीवर में, मॉर्निंग सिकनेस और फीवर में कैप्सिकम 30 या 200 और यूपटोरियम 30 या 200 देने से बहुत लाभ होता है। धन्यवाद दोस्तों, बड़ा लंबा दवा है।